हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रजनी की रसोई से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मसाला इडली की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे चाहे ब्रेकफास्ट में खाएं या इवनिंग स्नैक्स में, ये बहुत ही झटपट बनने वाली आज की रेसिपी मसाला इडली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इडली ली हुई है, ये जो हमारी स्टीम इडली, जो नॉर्मल इडली हम बनाते हैं वही वाली इडली है। इसको फ्रेंड्स मैं कट कर दूंगी। आप अगर चाहें तो फ्रेंड्स इस तरीके से लंबे लंबे जो पोटैटो वेजेस जैसे हम रखते हैं वैसे भी रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप इसे इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इडली कट हो गई है। अब हम इसे तड़का लगा देते हैं। गैस के ऊपर मैं एक पैन ले लूंगी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी तेल। करीबन 1 से 1.5 चम्मच तेल मैं डालूंगी। तेल को मैं गरम होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी जीरा, करीबन 1 चम्मच जीरा। साथ ही साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी राई, ये भी मैंने करीबन 1 चम्मच राई ली हुई है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, मैंने प्याज को इस तरीके से लंबा लंबा कट कर दिया था और इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज के साथ साथ फ्रेंड्स मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरी मिर्ची, मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है करीबन 3 से 4, इसे मैंने स्लाइस कर दिया है। स्लाइस करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इन सभी चीजों को मैं मिक्स कर देती जब तक प्याज और हरी मिर्ची जो है वो हल्के से फ्राई नहीं हो जाते। हम इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे जैसे हम इन्हें सब्जी के लिए पकाते हैं, बस इसके अंदर हम इसका क्रंच भी रहने देंगे। हरी मिर्ची फ्रेंड्स आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। करीबन 6 से 7 मिनट भूनने के बाद जैसे आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं, बस हमें इसे इतना ही रखना है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी करी पत्ता जिसे मैंने क्रश कर दिया था। आपको अगर पसंद है तो आप साबुत करी पत्ता भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब इसके अंदर मैं कुछ सूखे मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर अपने स्वाद अनुसार नमक, हमें जितना नमक चाहिए उतना मैं नमक इसके अंदर डाल दूंगी। 1 चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर लाल मिर्ची डालूंगी, मैंने हरी मिर्ची भी डाली है इसीलिए अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं या फिर अपने स्वाद अनुसार इसे डाल भी सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डाल दूंगी करीबन 1 चम्मच सांबर मसाला पाउडर। सांबर मसाला पाउडर से ही फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्वाद इसके अंदर आ जाएगा। आप करीबन 1 से 1.5 चम्मच सांबर मसाला पाउडर डाल सकते हैं। इन सभी चीजों को भी डालकर मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और 1 मिनट के लिए मसालों को भून लेती हूँ ताकि इनका जो कच्चापन है वो चला जाए। फ्रेंड्स इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी नींबू का रस। 1 बड़ा नींबू मैंने लिया था उसका रस मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसे भी डालकर मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैं मेरी डाल दूंगी इडली, जो इडली मैंने कट करके पहले रखी हुई थी ये वाली इडली मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि मसाला और इडली आपस में मिक्स हो जाए। अच्छे से मसाला और इडली आपस में मिक्स हो गया है। इसके अंदर फ्रेंड्स अब मैं मूंगफली डाल देती हूँ। ये रोस्टेड मूंगफली मैंने ली हुई है, जरूर डालिएगा फ्रेंड्स क्योंकि बहुत अच्छा क्रंच आ जाएगा इडली के साथ। सॉफ्ट इडली के साथ जब क्रंची मूंगफली का टेस्ट आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। एकदम अच्छे से इसे भी मिक्स कर दिया है मैंने। और सबसे आखिरी में फ्रेंड्स मैं कुछ फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये जो हमारी इडली है, मसाला इडली है, बनकर तैयार है। बस 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ ताकि ये स्टीम के अंदर सभी मसाले एक दूसरे के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, मैं ढक्कन खोलकर देख लेती हूँ और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये जो मसाला इडली है ये बनकर तैयार हो गई है। इसे अब मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।